हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस एडवांस क्लास में। उम्मीद करती हूं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं डियर जो अभी भी घबरा रहे हैं, जिनको अभी भी बेहद सारे डाउट्स हैं और वो कहीं ना कहीं से पूरा पढ़ने के बाद भी वो उनको लग रहा है कि हमारी ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं डियर जो किसी भी टॉपिक को लेके कंफ्यूज हैं, जिनको लगता है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जब भी करते हैं तो गलत ही आंसर आ रहा है, तो डियर बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, आप हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, जिस जो भी टॉपिक है आपको, जिसमें भी आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग का दही कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के डियर टेस्ट लगाओ। ठीक है, जितने प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे ना आपको हर क्वेश्चन में से एक नई चीज़ निकल के मिलेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने कोई भी क्वेश्चन लगाया तो उस क्वेश्चन में से डियर कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा जो आपका आंसर गलत कराएगा। तो अब आपको ये याद रहेगा पेपर में कि अरे यार मैंने ये टेस्ट में गलती करी थी, तो अब ये जो पेपर में मुझे पूछा गया तो अब मुझे मालूम है कि उसको कैसे टैकल करना है। तो डियर मेरी तरफ से एक छोटी सी बस एक यही आपको हिंट और यही आपको टिप है कि आपको कुछ नहीं करना है डियर, जिस भी टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है आप उस टॉपिक के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें लगाइए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे आपकी चीजें उतनी ज्यादा इम्प्रोवाइज होंगी, जितनी गलतियां आप करोगे उतनी गलतियों से आप सीखोगे। डियर लेक्चर्स अटेंड करो, डेली अटेंड करो, और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस टेस्ट पे बहुत ध्यान दो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए या आपको कुछ भी ऐसी चीजें चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। साईं बाबा एजुटेक की एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे फ्री मॉक टेस्ट की लिंक ले सकते हो डियर, और आप आराम से घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको ये गलतियां पेपर में नहीं करनी है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डियर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हो, और हमारी पूरी टीम है, सब्जेक्ट के सारे विशेषज्ञ हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट आता है प्लीज पूछ लो। ठीक है, तो चलो डियर आज की क्लास को शुरू करती हूँ, और आज की क्लास जो है डियर वो डेडिकेटेड क्लास है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज बता देना चाहती हूँ कि डियर आज जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ही साथ में आपको मैं कुछ रूल्स सिखाऊंगी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके साथ एक रूल है। तो अगर मैंने आज 15 क्वेश्चंस कराए तो यकीन मानिए कि आप 15 रूल्स सीख के जाओगे। ठीक है, ये एडवांस टॉपिक है आपका, ये प्रेपोजिशन का एडवांस लेवल है। ठीक है, जो प्रेपोजिशंस होती हैं डियर, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो हर चीज़ वहाँ फिट करने पे अच्छी लगती है। एट भी अच्छा लगता है कभी कभी, ऑन भी अच्छा लगता है कभी कभी, इन भी अच्छा लगता है कभी कभी, तो हम कब क्या लगाएं, क्योंकि हम एट लगा के आते हैं पता चला उसका आंसर टू निकलता है, हम टू लगा के आते हैं पता चलता है उसका आंसर इन निकलता है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कब हम टू लगाएं तो साउंड्स गुड, कब हम इन लगाएं कब हम ऑन लगाएं। तो माय डियर लर्नर्स, आज की जो क्लास है वो आप सभी लर्नर्स को डेडिकेटेड है, जितने भी बच्चों को प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम आ रही है डियर, जो टॉपिक जितना छोटा दिखता है सबसे ज्यादा दिमाग का दही वही टॉपिक करता है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो डियर भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के प्रेपोजिशन के सेशन को। जितने भी लर्नर्स आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको जितनी ज्यादा जानकारी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी आप तक मैं पहुंचा पाऊं। तो डियर सबसे पहले प्रेपोजिशन होती क्या है, देखो अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो आप ये देख सकते हो डियर ये 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक है प्री और एक है पोजिशन, तो प्री प्लस पोजिशन को मिला के बनता है प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन इन 2 शब्दों को मिला के बनता है प्रीपोजिशन। डियर प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब तो आपको पता ही है स्थिति, तो यानी कि प्रीपोजिशन जो होगी डियर वो ऐसे शब्द होंगे जो किसी ना किसी के पहले ही लगेंगे। अब किसके पहले लगेंगे मुद्दा ये है, तो पहले तो प्रीपोजिशन का अर्थ समझ लो कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो पहले लगे, किसके पहले लगे डियर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले किया जाता है। ठीक
और दूसरी बात, प्रीपोजिशन का यूज क्यों होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है डियर कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उनका आपस में मतलब क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, उस सेंटेंस के अंदर बैठ के ये सब के सब क्या कर रहे हैं। तो जो डियर जो शब्द आपस में इन सब का एक दूसरे से संबंध क्लियर कर देगा, रिलेशन क्लियर कर देगा, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब समझ गए? ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगते हैं और जिनका काम होता है कि सेंटेंस में आने वाले हर शब्द का आपस में एक दूसरे से रिलेशन क्लियर करना। तो ये मेरे सारे प्यारे लर्नर्स, ये मैंने डेफिनेशन आपके लिए बता दी है। और ये भी ध्यान रखना डियर कि हमेशा प्रीपोजिशन जो होती है वो नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले लगती है। कभी भी आप नाउन या प्रोनाउन के बाद में प्रीपोजिशन मत लगाना, हमेशा ये पहले ही लग जाएगी, इसलिए इसका नाम होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से चीजों के बारे में बात करूंगी। आज प्रीपोजिशन पढ़ाने का तरीका माय डियर थोड़ा सा अलग रहेगा। आज मैं आपको रट्टाफिकेशन वाला कोई ऐसा नहीं बताऊंगी जो आप लोग पढ़ते ही हो कि हर जगह ही बताते हैं कि बाय लिख दिया, बाय की सब यूज बता दिए। डियर मेरा जो अभी सेशन चल रहा है ये रिविजन बेस्ड सेशन है, ये पूरा रिविजन मेथड है। ठीक है, अभी अपने पास इतना समय नहीं कि अपन पूरी बाय की जन्म कुंडली खोलें, अभी अपने पास वो समय है कि अपन रिविजन मोड में आ जाएं और अपन उन चीजों को पढ़ लें जिनके अंदर के क्वेश्चंस अपन को मिलने वाले हैं। तो आप सुनो, जैसे कि स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि ही डाइड डैश हिज कंट्री। ठीक है, ही डाइड डैश हिज कंट्री। अब इसमें चार ऑप्शन अपन को मिले हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में से अब आप बाय भी देख के देख लो, ही डाइड बाय हिज कंट्री, ही डाइड ऑफ हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, या ही डाइड एट हिज कंट्री। तो अब सब कभी कभी ऐसा होता है डियर कि कभी कभी चारों ही ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि यार सही तो जा रहा है, ऐसा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन नहीं होते। और कभी कभी डियर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। आपको हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री। ठीक है डियर, डाइड फॉर हिज कंट्री, जब वतन पर मिटने की बात आती है, किसी के देश पर मर मिटने की बात आती है, तो उस कंडीशन में हमको हमेशा किसका प्रयोग करना होता है डियर? फोर का। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फोर का यूज कब करोगे डियर? जब देश के लिए, कंट्री के लिए मर मिटने की बात आएगी तो उस केस में हम फोर का यूज करेंगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है डियर कि जब कोई अपना जीवन किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपना जीवन अपने देश को देता है तो उस कंडीशन में हमेशा डाई के साथ हमेशा फोर लगता है। ठीक है, कभी डाइड टू नहीं होगा। ठीक है, डाइड बाय नहीं होगा। जब भी बात आएगी कि कोई अपना जीवन जो है वो अपने देश के लिए दे रहा है, अपने देश के हित में दे रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि डाई के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डाइड हो, डेड हो, डाइड हो, हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगा डियर फोर का। ठीक है, तो ये पहला रूल, पहला क्वेश्चन आ गया समझ में? समझ में आ गई क्लास की थीम क्या होने वाली है? एक क्वेश्चन एक रूल। अब वो एक रूल जो है ना डियर, वो आपके हजार क्वेश्चन पे भारी पड़ेगा, क्योंकि इस एक रूल से आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं डियर, और अगला क्वेश्चन देखो। यू मस्ट आस्क अपोलॉजी डैश हिम डैश योर रूडनेस। ठीक है, तो डियर अपोलॉजी का मतलब आपको पता ही है, माफी मांगना, शर्मिंदगी करना, फील होना। ठीक है, तो यू मस्ट आस्क अपोलॉजी डैश हिम डैश योर रूडनेस। रूडनेस का मतलब आप जानते हो, अपन जो रूड बिहेव करते हैं, जो सख्त गंदा व्यवहार करते हैं, उसे कहते हैं। अब भैया टू फोर, फोर ऑफ, टू ऑफ, या फिर नन ऑफ दीज अबव। तो डियर एक आध को किसी को पकड़ लो जिससे आपको समझ में आए। जैसे मैम मुझे पहले का तो समझ नहीं आ रहा, मैं इससे कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। यू मस्ट आस्क अपोलॉजी हिम। अब मैम मेरे पास तीन ऑप्शन है अभी तो फिलहाल, कि मैं फॉर योर रूडनेस लिख दू, या फिर मैं ऑफ योर रूडनेस लिख दू। ऑफ का मतलब का होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है। ठीक है, तो मैम मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, देखो बच्चे की टेंडेंसी बता रही हूँ, कि मैम मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो फोर आएगा, है ना, कि मतलब मुझे अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगनी चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो मैम क्लियर है कि मुझे रूडनेस के पहले फोर लगाना है, लेकिन मैम फोर अब दो ऑप्शंस में आ रहा है, टू और ऑफ। अब मैम मैं अपोलॉजी ऑफ लगाऊं,
कि मैं अपोलॉजी टू लगाऊं, अपोलॉजी ऑफ हिम बोलूं कि अपोलॉजी टू हिम बोलूं। तो डियर एक पे कंफर्म हो जाओ, पहले एक ऑप्शन पे कंफर्म हो जाओ। अगर मान के चलो कि यहाँ पे किसी एक में ही फोर होता, दूसरे में नहीं होता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फोर दो में है और आप कंफर्म हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ पे फोर आएगा, तो आप नन ऑफ दिस को हटा ही दोगे पिक्चर से बाहर, इसको हटा ही दोगे। लेकिन अब ये दो दिमाग का दही करेंगे, तो डियर जब भी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ, सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ए, यहाँ टू और यहाँ पे फोर। और क्यों होगा डियर? क्योंकि जब भी हम किसी से अपोलॉजी की बात करते हैं, माफी की बात करते हैं डियर, किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, मतलब ए टू जेड किसी से भी, तो हमेशा अपोलॉजी के साथ में टू का ही कॉम्बिनेशन बनता है। हमेशा ध्यान रखना डियर कि जब भी आप किसी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से माफी की बात करते हो, अपोलॉजी की बात करते हो, तो व्यक्ति के लिए अपोलॉजी टू लगता है, और किसी बात के लिए, मतलब फॉर समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए, कह रहे यार तेरा ग्लास तोड़ दिया मैंने ये, तो उसके लिए फिर अपोलॉजी फॉर लगता है। यानी कि आप माफी की अगर वजह बताओगे तो उस अपोलॉजी के लिए आगे जाके फॉर लगाओगे, और जब आप किसी व्यक्ति की बात करोगे, जैसे हिम यहाँ पे क्या है डियर, हिम एक पर्सन है, कोई लड़का होगा, तो उस पर्सन के साथ में अपोलॉजी, हिम जो जो पर्सन है उसके लिए अपोलॉजी के साथ टू जाएगा, और जब आप अपनी माफी मांगने की वजह बताओगे तो अपोलॉजी के साथ आगे जाके फोर आएगा। ठीक है, तो इतनी बात बेटा ध्यान रखना। ये जो सेशन है डियर, मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है, हर क्वेश्चन पे एक नियम आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। यहाँ पे हिम है, तो हिम के लिए यानी पर्सन के लिए अपन अपोलॉजी को टू के साथ फॉरवर्ड करेंगे, और जब आप अपनी माफी की वजह बताओगे कि भाई यू आर रूडनेस, यू आर स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, जो भी आपको बताना है, तो जो भी वजह बताओगे डियर वो फिर फोर के साथ जाएगी। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आज मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ, बाकी डियर आप लोग समझ ही रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑन द नाइट बिफोर द एग्जाम, मतलब डियर एग्जाम की एक रात पहले, शी वॉज सीन पोरिंग डैश द बुक्स। अपन कहते हैं ना किताबों में घुसे जा रहे हैं, किताबों में डूबे जा रहे हैं, तो ये वही चीज कह रही है। अब मुझे ये बताओ डियर कि शी वॉज पोरिंग इन टू द बुक्स, थ्रू द बुक्स, ओवर दी बुक्स, या नन ऑफ दीज, के भाई हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इन तीनों में से तो कुछ नहीं आएगा, बाकी भगवान ही मालिक है। तो डियर ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में माय डियर आपको ये करना है कि आपको एटलीस्ट इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। जैसे इन टू का मतलब होता है मे, थ्रू का मतलब होता है गुजर कर या के द्वारा, है ना, ओवर का मतलब आपको पता ही है पर। तो ऐसे केस में शी वॉज पोरिंग इन टू द बुक्स लिखोगे, शी वॉज पोरिंग थ्रू द बुक्स लिखोगे, या ओवर द बुक्स लिखोगे। तो डियर इन टू का प्रयोग हम करते हैं गतिमान अवस्था में, जैसे आप रूम में बैठे हो, ठीक है, और आपको दूसरे कमरे में जाना है, तो जब आप दूसरे कमरे में जा रहे हो, जैसे इन टू का हिंदी में मतलब क्या होता है, इन टू का हिंदी में मतलब होता है में, ठीक है, इनका मतलब भी में होता है, लेकिन इन टू का मतलब क्या होता है डियर, में। लेकिन ये वाला में कब लगता है? जब हम मोशन में होते हैं, जब हम गतिमान अवस्था में होते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग इन टू द किचन, मतलब मैं किचन में जा रही हूँ, तो अगर मैंने इन टू द किचन बोला है तो यकीन मानो कि मैं गतिमान अवस्था के बारे में बता रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कभी सोच रही हूँ जाऊंगी जाऊंगी, इन टू का प्रयोग डियर तब होता है जब अपन चल रहे हो, है ना, उस केस में अपन इन टू का प्रयोग करते हैं। थ्रू का मतलब होता है डियर कि किसी से होकर, है ना, अपन कहते हैं ना थ्रू दिस, थ्रू मी, थ्रू यू, ठीक है, तो यहाँ पे ओवर जाएगा, ओवर द बुक्स, यानी कि डियर जो पूरी किताबें हैं, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी, शी वॉज सीन पोरिंग ओवर द बुक्स। तो यहाँ पे डियर आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसकी ट्रिक में भी आपको बता देती हूँ कि जब भी डियर अपन फॉरवर्ड देखते हैं, मतलब किसी चीज पे कंसंट्रेशन के लिए, किसी चीज पे ध्यान वाली बात चल रही हो, किसी चीज पे बहुत गहन चिंतन की बात चल रही हो, तो हमेशा पोर के साथ में हमेशा पोर ओवर वर्ड यूज होता है, मतलब ये एक फ्रेजल की तरह काम करता है। तो पोर के साथ में हमेशा ओवर लगता है, कब? जब आप किसी भी चीज के बारे में गहरा चिंतन, डीप कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हो, और डियर एग्जाम के एक नाइट पहले तो चीजों पे गहरा चिंतन ही होता है, टाइम पास कोई नहीं करता। तो ये तीसरा नियम आपको याद रखना है डियर, कि जब भी किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करने की बात आएगी, ध्यान लगाने की बात आएगी, अटेंशन देने की बात आएगी, तो वहां पे आपको फॉर वर्ड मिलेगा, तो आपको उसके साथ हमेशा ओवर लगाना है, शी वॉज सीन पोरिंग ओवर द बुक्स। ठीक है, अच्छी चीज समझ में आई,
चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, माय डियर इसको यू आर कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा गलत था, वो हो गया टाइम, इसको यू आर कर लीजिएगा, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। ठीक है, अब डियर इसमें अपन को भरना है चार में से एक ऑप्शन, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ भी आता है, जब भी ऐसा कुछ भी दिखेगा आपको, तो आपको यहाँ पे पहली बात तो बाय लिखना है, एट ईयर वॉच नहीं करना, ऑफ ईयर वॉच नहीं करना, ऑन ईयर वॉच नहीं करना, ठीक है, बाय ईयर वॉच करना है। क्यों करना है डियर? क्योंकि जब हम समय के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा उस केस में बाय को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय यू योर वॉच। ठीक है, तो जब भी अपन इस तरीके से किसी भी समय को उल्लेखित करेंगे, टाइम को मेंशन करेंगे इस वे में कि भैया घड़ी में कितने बज रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल में कितने बज रहे हैं, ठीक है, तो जब इस तरीके से अपन बात करेंगे डियर, इस तरीके से मेंशन करेंगे, तो हमेशा टाइम के साथ बाय लगता है। ठीक है, अच्छा लगा ये वाला रूल। आगे देखते हैं डियर, अगली कहानी क्या शुरू होती है, लेट्स डिस्कस डैश द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश। डियर यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं उन पे चर्चा करते हैं। चलो अपन कहते हैं ना, चलो यार मूवी देख के आते हैं, ये भी कह रहा है कि चलो यार बेसिक इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करने के वेज पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है डियर, सिंपली चीज है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। लेट्स डिस्कस द वे, आप जोड़ के देख लो ना, जोड़ के देख लो, पढ़ के पूरा देखो, फ्लो में पढ़ो। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को पूरा पढ़ू तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि लेट्स डिस्कस द वे, हटा दो, मैं यहाँ पे डिस्टेंस हटा ही देती हूँ, डिस्कस द वे। अब डिस्कस एट द वे तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, डिस्कस मतलब अबाउट द वे सीधा लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको हमेशा इन चीजों पे फोकस करना है कि नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब डिस्कस। जब भी आपको वर्ब डिस्कस दिखेगी, मतलब जब भी आपको ये डिस्कस शब्द दिखाई देगा, तो गलती से भी वहां पे कभी भी कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, कितना भी मक्खन जैसा सेंटेंस हो, कितना भी लॉलीपॉप जैसा सेंटेंस हो, कितना भी आपको ललचा रहा हो कि नहीं यार प्लीज प्रेपोजिशन लगाओ, प्लीज मुझे लगाओ, ऑन लगाओ, डियर डिस्कस के बाद प्रेपोजिशन मत लगाना। ठीक है, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब डिस्कस, यही हम गलती कर देते हैं। देखो डिस्कस ऑन द वे, अपन ने बहुत बार बोला ना ऑन द वे हूँ, ठीक है ऑन द वे है, तो हो सकता है कि आप खुश हो जाते कि अरे यार मैंने एक बार पढ़ा था कि ऑन द वे कुछ होता है तो 200% मैडम इसमें ऑन आएगा, तो डियर वो ऑन द वे अलग चीज है, उस ऑन द वे के आगे आपने डिस्कस थोड़ी बोला था, आपने मम्मी से कहा था कि मैं रस्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, मैं रस्ते में हूँ, लेकिन आपने मम्मी से डिस्कस थोड़ी बोला था कि डिस्कस शब्द बोला, अगर आपने डिस्कस जोड़ा होता ना डियर तो ऑन नहीं लगता। तो कभी भी डिस्कस शब्द के बाद कोई भी प्रेपोजिशन मत लगाना, सेंटेंस कितना भी लॉलीपॉप क्यों ना हो। ठीक है, मजा आ रहा है, चलो नेक्स्ट। सिक्स्थ, द चीफ गेस्ट ऑफ द सेमिनार स्पोक टू द ऑडियंस कंसर्निंग डैश करियर। डियर जो चीफ गेस्ट है सेमिनार के, वो जनता से बोल रहे हैं कि भैया वो उनके करियर को लेकर क्या है डियर, मतलब कंसर्न जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, तो भाई देखते हैं कि चिंता जताने के लिए क्या कर सकते हैं, कंसर्निंग विथ करियर, कंसर्निंग अबाउट करियर, कंसर्निंग देयर करियर, या फिर कोई प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत से बच्चे हिंदी करेंगे, मैम देखो विथ का मतलब होता है साथ, तो कंसर्निंग विथ करियर का मतलब होता है कि भविष्य के साथ वो चिंता जता रहे हैं, अबाउट का मतलब होता है मैडम के बारे में, तो मैम हो सकता है इसका मतलब हो कि करियर के बारे में, मैम देयर का मतलब होता है उनके, तो मैम करियर का साथ देयर करियर हो जाएगा उनके करियर। ऐसे डियर आप लोग भी करते हो, आप लोग भी पहले अंग्रेजी की हिंदी करते हो फिर आप प्रपोजिशन को भरते हो, तो डियर सिंपली इसमें आपको विथ का प्रयोग करना है, कंसर्निंग विथ, कंसर्न शब्द के साथ में जो प्रिपोजिशन फॉरवर्ड होती है डियर वो विथ होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कंसर्न वर्ड आएगा तो हमें कौन सी प्रपोजिशन आगे यूज करनी होगी, विथ। ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों उतना सोचो, ठीक है, कंसर्निंग विथ, कंसर्निंग विथ एम, कंसर्निंग विथ करियर, कंसर्निंग विथ फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, तो कंसर्निंग या कंसर्न शब्द के साथ में हम विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं डियर, अगला जो क्वेश्चन है, ही फेल्ट नो क्लम्स डैश बोरोइंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स।
अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर टू भी है, फोर भी है, अबाउट भी है एंड नो प्रपोजिशन नीडेड। तो सभी बच्चों को थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल 5 सेकंड का, जिससे कि वो देख सके कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। टू है, फोर है, ठीक है। ही फेल्ट नो क्वाम्स डैश बोरिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। डियर, चार ऑप्शन है, तीन मतलब अभी फिलहाल तीन है, टू फोर और अबाउट। चौथा तो लिखा है कि भाई कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, मतलब ये पास सिंपल का एग्जाम्पल है, मैं ये भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ही फेल्ट नो क्वाम्स डैश बोरिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, मतलब डियर उसे अपने दोस्तों से पैसा उधार लेने में कोई हिचक नहीं हुई। अपन हिचक कहते हैं ना, एक हेजिटेशन जो कहते हैं, ठीक है। तो ही फेल्ट नो क्लाम्स डैश बोरिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। डियर, इस शब्द का मतलब होता है हेजिटेशन, है ना, इसका मतलब होता है हेजिटेशन, मतलब हिचक, ठीक है। तो उसको भैया अपने दोस्तों से पैसा उधार लेने में कोई हिचक नहीं हुई। तो डियर ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाओगे, टू बोरोइंग मनी, फोर बोरोइंग मनी, अबाउट बोरोइंग मनी? तो सिंपली आपको उसमें डियर अबाउट का यूज करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है, अब देखो क्वाम्स वर्ड जो है तो हिचक, ठीक है, हिचक मतलब हेजिटेशन, हेजिटेशन के साथ अबाउट जाता है, क्योंकि हेजिटेशन का वजह बताओ ना, किस बारे में हेजिटेशन? मैंने लिखा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब हेजिटेशन भी है तो किस बारे में है ना, बोलने में हिचक है, लेने में हिचक है, पैसा लौटाने में हिचक है, किसी को घर बुलाने में हिचक है, अपने मन की बात किसी को बोलने में हिचक है। तो डियर हिचक यानी कि जो अपनी हेजिटेशन होती है, जो क्राम्स होती है, उस क्राम का मतलब उसका मीनिंग आपको बताना पड़ेगा कि किस विषय में। तो उस विषय के लिए मतलब उसके लिए अपन अबाउट यूज करते हैं, ठीक है। तो अबाउट वर्ड हमेशा इस वर्ड के साथ में सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, साइबर अटैक्स आर मच इजियर टू कैरी आउट देन टू डिफेंड। डियर, साइबर अटैक्स आर मच इजियर टू कैरी आउट देन टू डिफेंड। तो साइबर अटैक्स के बारे में बताया जा रहा है डियर कि आर मच इजियर टू कैरी आउट देन टू डिफेंड, मतलब आप उनसे लड़ने की बजाय आप उनसे सतर्क रहो, मतलब किसी को अपना ओटीपी मत दो, है ना। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना डियर कि आप उनसे सतर्क रहो, आप लड़ नहीं पाओगे जितना उनसे, जितना लड़ना टफ है उतना सतर्क रहना आसान है। हम ओटीपी शेयर ही नहीं करेंगे, है ना, हम अपना पासवर्ड हर 2-4 महीने में चेंज करते रहेंगे। तो वो चीजें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक बार हमारा पैसा चला गया डियर, तो वो पैसा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो डिफेंड के साथ में जो अपनी प्रिपोजिशन जाती है डियर, वो अगेंस्ट होती है, ठीक है। डिफेंड के साथ में अपन क्या लगाएंगे, प्रिपोजिशन अगेंस्ट लगाएंगे, ठीक। इसके बाद अगला देखो, आई एम राइटिंग दिस एसे। डियर, एम के साथ वर्ब में आईएनजी लग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम राइटिंग दिस एसे डैश ब्लू इंक, ठीक है, मैं यह ऐसे लिख रहा हूँ डैश ब्लू इंक। तो माई डियर लर्नर्स, जब भी किसी रंग की बात चलेगी कि मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ, व्हाइट इंक से लिख रहा हूँ, ब्लैक इंक से, ग्रीन इंक से लिख रहा हूँ, तो हमेशा आपको प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इन ब्लू इंक, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर ये इंक वाले बहुत बार पेपर में आए हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर के उठा के देख लो, एसएससी के क्वेश्चन उठा के देख लो, जब भी इंक का सवाल आएगा, वाइट ब्लू ब्लैक ग्रीन जो भी इंक का सवाल आएगा, अपन को इन ही वहां पे यूज करना है, ठीक है। तो राइट इन द कलर एट विच इट इज रिटन, तो आपको हमेशा इन लिखना है जिस भी कलर में वो चीज लिखी गई है, ब्लू इंक में लिखी गई हो, रेड में, वॉट एवर, हमेशा इन का प्रयोग आप इंक के साथ में कर देना, ठीक है, कोई सा भी कलर हो। वी आर रिलेटेड डैश ईच अदर डैश मैरिज। डियर, वी आर रिलेटेड एट ईच अदर डैश एट मैरिज। एट मैरिज, बाय मैरिज, क्या हो सकता है? तो देखते हैं, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि वी आर रिलेटेड लिखा है, तो वी आर रिलेटेड डैश ईच अदर, ठीक है, तो हम एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा कुछ वो कह रहा है, कुछ शादी वादी कुछ ऐसा, लेकिन जब तक प्रिपोजिशन नहीं लिखेंगे अपन हिंदी नहीं करेंगे। तो डियर जब भी ऐसा केस दिखेगा आपको, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अपन को यहाँ पे रिलेटेड के बाद में अपन को टू लगाना है, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू यू, है ना भैया, अपन से संबंधित मुद्दा है, रिलेटेड टू अस, रिलेटेड टू देम, तो रिलेटेड के बाद माय डियर टू आता है। लेकिन अब जैसे अभी तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि सी है,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ डियर, तो रिलेटेड के साथ टू मुझे दो ऑप्शंस में मिल रहा है, एक मुझे यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो इनको तो पिक्चर से आउट कर दो, ठीक है। अब मैं मैरिज के साथ एट लगाऊं कि बाय लगाऊं, तो डियर बाय मैरिज मतलब शादी से हम लोग एक दूसरे से क्या है डियर, रिलेटेड हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जब भी रिलेटेड के साथ अपन को हमेशा टू लगाना है, जब भी अपन किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन के बारे में बात करें, ठीक है। और रिलेटेड बाय का मतलब होता है मींस ऑफ द रिलेशन, मतलब कि जब हम अपना संबंध किसी को बताते हैं, ठीक। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी, रिलेट के साथ बाय कब लगता है और रिलेट के साथ टू कब लगता है, ठीक है। चल 11th देखो डियर, फाइंडिंग हिमसेल्फ शॉर्ट डैश मनी ही रॉट डैश इज अंकल डैश हेल्प। फाइंडिंग हिमसेल्फ मतलब उसके पास पैसा कम है, तो अपने अंकल को मदद के लिए पत्र लिखा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है सेंटेंस में। अब पता नहीं कि कितना सही है कितना गलत है, बट देखते हैं। तो डियर कुछ भी एक चीज पकड़ लो जिससे आपको लगे कि यार ये तो मैं श्योर हूं कि इसके साथ तो यही लगेगा। अब ही रोट फॉर हिज अंकल तो होगा नहीं डियर, 100% के रोट के बाद टू आएगा, है ना। ही रोट टू हिज अंकल, आपके हिसाब से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से नहीं बता रही। तो इस हिसाब से मुझे डियर ये हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे फोर आ रहा है, ठीक है। अब ये तीन तीन बैठा है जिसमें टू टू और टू आ रहा है, अब मैं क्या करूं। अब मैं एक ये अंकल को पकड़ते हैं, अंकल अबाउट हेल्प, अंकल फॉर हेल्प या अंकल टू हेल्प, ये भी कंफ्यूजिंग है। इधर आ जाओ, शॉर्ट टू मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट इन मनी। तो अब आपको किस में कंफ्यूजन ज्यादा लग रहा है, अंकल वाले में या इस वाले में। तो डियर इसका कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है। शॉर्ट ऑफ मनी, जब भी अपन किसी चीज की कमी दिखाएंगे ना डियर, पैसों की कमी दिखाएंगे, समय की कमी दिखाएंगे, ठीक है, या कपड़ों की कमी दिखाएंगे, ज्ञान की कमी दिखाएंगे, तो किसी भी चीज की कमी दिखाने के लिए शॉर्ट के बाद अपन को ऑफ यूज करना है, टू नहीं यूज करना है, ठीक है। अब आपको अगर ये पता चल गया है तो सीधी बात है कि मदद के लिए हेल्प, फॉर हेल्प, है ना, फॉर हेल्प, फॉर हेल्प का मतलब मदद के लिए। तो ये तो कॉमन सेंस था, वो तो अपन को कंफ्यूजन होता है अबाउट और पढ़ के, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली अपन क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है डियर कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी जितने जितने दिन आपके बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी टॉपिक वाइज बहुत अच्छी चीजें मैं लेकर आऊंगी, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराऊंगी, मतलब पेपर में ये चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी आपको, बहुत अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये देखो, शॉर्ट ऑफ समथिंग इनएडुकेटेड, राइट टू इन फेवर ऑफ समवन, राइट फॉर इन फेवर ऑफ समवन और समथिंग। डियर मैंने आपको ऑफ का, टू का, फॉर का, सबका यूज यहाँ पे लिख दिया है कि शॉर्ट के साथ ऑफ लिखेंगे जब किसी भी, इसका मतलब होता है कमी डियर, जब किसी भी चीज की कमी बतानी होगी तो शॉर्ट ऑफ लिखेंगे, गठान बांधो कट्स के बिल्कुल जोर से, ठीक है। और जब हम जैसे राइट होता है, राइट रॉट रिटर्न, है ना, अब राइट हो चाहे रॉट हो चाहे रिटर्न हो, कोई सी भी फॉर्म हो, उसके साथ टू लिखेंगे, जब हम किसी को आगे जाके मतलब बताएंगे कि किसको पत्र लिख रहे हैं, भैया राइट का मतलब तो बेटा लिखना ही होता है ना, तो किसी को तो लिखोगे, नहीं मैम मैं खुद को लिख रही हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे अपने नाम का ग्रुप बना रखा है। अरे तो देवी अपने आप के लिए भी लिख रही हो तो अब लिख तो रही हो ना, तो राइट के लिए डियर हमेशा टू लिखना जब आप किसी को आगे संबोधित कर रही हो कि भाई अंकल जी को लेटर लिख रहे हैं, पापा जी को लेटर लिख रहे हैं, बुआ जी को लेटर लिख रहे हैं, चाचा को लेटर लिख रहे हैं, मम्मी को लेटर लिख रहे हैं, खुद को ही लिख रहे हैं, भगवान को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं डियर, अगर आप आगे जाके उसका उल्लेख कर रहे हो तो राइट और उस व्यक्ति के बीच में टू आएगा, राइट टू मम्मा, राइट टू पापा, ठीक है, राइट टू हिज आंटी, राइट टू हिज अंकल, राइट टू हिज फ्रेंड, राइट टू हिज सिस्टर, राइट टू हिज ब्रदर, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज ये ध्यान रखना डियर कि किस लिए लिख रहे हो, वजह क्या है लिखने की, कि पैसे दौरे पड़ रहे हैं कि खाली बैठे तो चलो चिट्ठी लिख दें, तो वजह, ठीक है, उसका फेवर, किस लिए लिख रहे हो, किस लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, है ना, तो उसके लिए फोर आता है, ठीक है। वजह बताओगे लिखने की तो फोर से बताओगे, किसको लिख रहे हो तो टू से बताओगे, क्यों लिख रहे हो, मतलब किस किस उद्देश्य से लिख रहे हो, पैसा कम है ज्यादा है, दिमाग कम है ज्यादा है, कपड़े कम है ज्यादा है, ज्ञान कम है ज्यादा है, तो ऑफ लगाओ। ओके नेक्स्ट, द मैन वॉज ब्लाइंड डैश इज लेफ्ट आई, डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट 12th, सिंपली डी, ठीक है, ब्लाइंड के साथ ऑफ जाता है,
ठीक है, जब भी आपको किसी के मतलब अंधेपन के बारे में बताना हो तो ब्लाइंडनेस के लिए डियर गठान बांध लो, बहुत बार पेपर में आया डियर, ब्लाइंड ऑफ आता है, ठीक है, ब्लाइंड बाय नहीं आएगा, ब्लाइंड फ्रॉम नहीं आएगा, ब्लाइंड टू नहीं आएगा, ब्लाइंड ऑफ आएगा, ऑप्शंस मिलेंगे कंफ्यूज करने वाले, गठान बांध के जाना, ब्लाइंडनेस बताने के लिए हमेशा ऑफ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, जतिन इज सीनियर डैश मी 3 डैश ईयर्स, डियर ये बता रहा है कि भाई जो जतिन है वो 3 साल क्या है, सीनियर है। एक रूल बताऊंगी, कोई फालतू की बात नहीं बताऊंगी, पहले तो इसका आंसर है टू और बाय, ठीक है। और सुन लो, जब भी सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर कुछ भी आए, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आए, तो अपन को क्या करना है, टू इज यूज इंस्टेड ऑफ देन, अपन को देन की जगह पर हमेशा टू का प्रयोग करना है। आपको लग रहा होगा कि यार तुलना हो रही है कि वो मुझसे 3 साल बड़ा है ना, आपको लग रहा होगा कि यार तुलना हो रही है कि वो मुझसे 2 साल छोटी है, तो डियर आपको लगता होगा कि तुलना के लिए हम देन लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, तो गलत हो आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो। डियर जब भी ये वर्ड्स आएंगे बस इनको ध्यान रख लो माई डियर्स, 1 2 3 4, इन चारों को याद रख लो, ये चौकड़ी याद रख लो, ये चौकड़ी कहीं भी होगी ना तो तुलना हमेशा टू लगा के करना, तो यहाँ पे देन मत लिखना, टू लिखना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, डी भी हटाओ, ठीक है। अब ये पता चल गया ना, अब कितने डियर, 3 साल के लिए तो कोई सीनियर होता नहीं है, ठीक है, कितना सीनियर है डियर वो, इसको बाद में कर दीजिए, ठीक है, 3 बाद में आएगा डियर, सो करेक्ट कर लो, बाय 3 ईयर्स, ठीक है। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, और आप अभी तक वीडियो में बने हुए होंगे, तो प्लीज ये ध्यान रखना डियर कि ये चौकड़ी याद कर लो, इन 4 शब्दों के साथ कभी भी तुलना देन से नहीं होती, हमेशा टू से होती है, एरर में मिल सकता है, खुश मत हो जाना, देन 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 देख के गलत होता है डियर, ये टू से जाते हैं, सीनियर टू जूनियर टू इन्फीरियर टू सुपीरियर टू, ठीक है। नेक्स्ट, डैश बींग फाइंड, फाइंड मतलब वही चालान वालान, ही वॉज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब डियर कैद के साथ साथ भाई साहब पे फाइन भी लगा है, मतलब जेल भी होगी और उनको फाइन भी देना होगा, दोनों चीजें होंगी, तो डियर ऐसा कौन सा शब्द होता है इनमें से जो इस बात को सेटिस्फाई करे कि तुम्हें ये भी करना है और ये भी करना है, तो डियर आफ्टर का मतलब तो बाद में होता है, इसको हटा दो, ऑन का मतलब आपको पता ही है पर होता है, तो यहाँ पे ऑन भी नहीं आएगा कि भैया फाइन भी लगा है और जेल भी हो गई, दो चीजें एक साथ हो गई हैं, तो बिसाइड्स जो होता है डियर, बिसाइड्स को हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बिसाइड्स का हिंदी में मतलब होता है अलावा, बिसाइड्स बींग फाइन, फाइन लगने के अलावा ही वॉज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब फाइन लगने के अलावा उनको कैद भी हुई है, और ये जो बिसाइड होता है डियर इसका मतलब होता है बगल में, ये वाला जो बिसाइड होता है ना बिना एस वाला, ये इसका मतलब होता है बगल में, मतलब आपके जस्ट बगल में, ठीक है, तो इसका आंसर जो है डियर वो सी होगा, और बिसाइड्स का मतलब मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अलावा या फिर आपको बताइए, ठीक है। चल नेक्स्ट, वी ऑप्टेड डैश रिकॉन्सिलिएशन डैश दिस डिस्प्यूट, भैया बहुत हैवी प्रेपोजिशन आ गई है, कुछ हैवी नहीं है, ये एक सिंपल चीज बताती हूँ, जब भी आपको उस तरह का कुछ भी सेंटेंस दिखेगा तो ऑप्टेड वर्ड दिखेगा, ऑप्ट वर्ड दिखेगा ना 200% है, गठान बांध लो, रट लो, वो 4 के साथ जाएगा, ठीक है, और जो आपका ये वाला शब्द होता है ये हमेशा विथ के साथ जाता है, इनकी जोड़ी है डियर, इनकी जोड़ी है, ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, ऑप्टेड वर्ड हमेशा 4 के साथ जाएगा और ये वाला वर्ड जाएगा विथ दिस, विद दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है डियर विवाद, ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कुछ नहीं करनी, 15 क्वेश्चन 15 नियम बता दिए मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आई सॉ द न्यूज डैश टेलीविजन एंड माई मदर रेड इट, मैम आपको कैसे पता कि रेड है, आप इसको रीड बोलो, डियर मैं इसको रीड नहीं बोल सकती, ये सेकंड फॉर्म वाला है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब बैठे हैं, मतलब ये पूरी पिक्चर पास्ट की है, तो पास्ट में जो अपनी जो रीड रहता है डियर उसकी तीनों फॉर्म्स यही होती हैं, उसकी तीनों फॉर्म्स यही होती हैं, बस बोलने का अंतर जाता है, इसको अपन रेड बोलने लगते हैं फिर रीड की बजाय, लिखने में तो एक सी लगती है, बोलने में समझ में जाता है कि आप पास्ट की कह रहे हो या फ्यूचर
प्रेजेंट की कह रहे हो, ठीक है। तो भैया जब भी टेलीविजन शब्द आता है डीएम, जब भी टेलीविजन शब्द आएगा तो उसके साथ हमेशा ऑन लगाएंगे, ऑन टेलीविजन। तो ये दो तो हटा दो आउट, क्योंकि मैम ने बोला था टेलीविजन के साथ ऑन लगता है। और जो न्यूज़पेपर होता है डीएम, अखबार में ही पढ़ोगे यार, अखबार पर तो पढ़ोगे नहीं, अखबार में पढ़ते हैं कि अखबार पर पढ़ते हैं? तो डियर अखबार में पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर के साथ हमेशा इन लगता है। सीधी बात, नो बकवास, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखना डियर, टेलीविजन के साथ प्रेपोजिशन ऑन यूज होती है और न्यूज़पेपर के साथ जो है प्रेपोजिशन इन यूज होती है ना। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अपन, रीड इट इन द, रेड इट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग, है अच्छा बन गया, मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग डैश अ वुड डैश अ रेनी डे। अब भैया वॉकिंग भी है, वॉकिंग के साथ क्या करेंगे, वॉकिंग अ वुड थ्रू करेंगे, वॉकिंग थ्रू करेंगे, वॉकिंग इनटू करेंगे, वॉकिंग बाय करेंगे, ठीक है। तो डियर सबसे पहले तो ये देखो कि आपको इन दोनों में से पल्ले क्या पड़ रहा है। मुझे थोड़ा सा रेनी डे अच्छा लग रहा है कि भैया बरसात के दिनों वाली बात चल रही है, ऑन अ रेनी डे। ऑफ रेनी डे नहीं होता, ठीक है, ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डियर यहाँ पे ऑन दिया हुआ है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन लेंगे ना यार, ठीक है। अगर मैं एट ले लूं आपके आपके बातों में लग के, तो मैं इनटू थोड़ी करूंगी, ठीक है। आपकी बातों में आके मैं इन अ रेनी डे ले लूं तो मैं बाय वुड थोड़ी करूंगी, बाय वुड कैसे कर सकती हूँ मैं। तो डियर इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे थ्रू अ वुड ऑन अ रेनी डे यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि डियर मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने यहाँ भले ही 17 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन मैंने आपको 17 से ज्यादा चीजें बता दी हैं। हर क्वेश्चन पे एक नई चीज आपको दी है मैंने। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अगर चाहो तो, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम के माध्यम से या स्क्रीन पर जो हमने आपको नंबर बताया था व्हाट्सएप का, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के, इसी धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चैनल के साथ बने रहो और बढ़िया तैयारी करते रहो, ठीक है डियर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।